हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, सीटेट हो या दूसरे बड़े टीचिंग एग्जाम्स हो, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। और जानिए, दिल्ली में, एनसीआर में, यहाँ तो बहुत सारी कोचिंग, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिटीज हैं जहाँ पर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, बच्चे तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाता है। कुछ सिलेक्टेड से लोग वहां से निकल पाते हैं। इसकी वजह के बारे में बात करेंगे और उन लोगों की कहाँ है, कैसे हेल्प हो सकती है, ये डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं देहरादून से टीचर की तैयारी कौन कौन कर रही है, चाहे आप केवीएस में, और सभी लेवल है इसमें, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, जितने भी टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, आपका मिसलेनियस वाले बच्चे होते हैं, चाहे आर्ट वाले, म्यूजिक वाले, लाइब्रेरी वाले, होम साइंस वाले, सभी की बात हम, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल, ठीक है। तो अलग अलग सिटीज की हम बना रहे हैं ये, ताकि वहां पर उन बच्चों को एक बार कलेक्ट भी किया जा सके, उन बच्चों से मिला जा सके, उन बच्चों से करियर काउंसलिंग की जा सके, उन बच्चों को ये गाइडेंस दी जा सके कि आप कहीं मत जाइए, आप अपने शहर में बैठिए, अपने घर पर बैठिए, और घर पर बैठ करके तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो आज की सीरीज में बात है देहरादून की। एक दो दिन में जितने भी बड़े बड़े मेन मेन सिटीज हैं, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दूसरे हो, उन सब की, बॉम्बे हो, नागपुर, पूना, सब की बात हम करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा स्टडी पोर्टल की टीम को हर जगह भेज करके इन लोगों से मिलने की भी। तो देहरादून से टीचर की तैयारी कौन बच्चे कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्पेशल देहरादून की बात है ये, और इसमें देहरादून में बाकी पूरा उत्तराखंड भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में सिटीज है, ज्यादातर बच्चे वहां आते रहते हैं। तो देहरादून यानी उत्तराखंड की बात हम अगर कर लें, तो कौन कौन बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपको सीरीज आप तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को जितना हमारा बेस्ट देने की कोशिश हो सकती है हमारे से, तो जुड़िए हमारे साथ, देखते हैं एक बार मामला क्या क्या होता है। दिस वीडियो स्पेशली फॉर देहरादून एंड उत्तराखंड कैंडिडेट्स, और केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और सीटेट, ये सारे के सारे जो एग्जाम है, इसमें एटॉमिक एनर्जी भी आ जाएगा, एपीएस वाला, एडब्ल्यूएस और एपीएस वाले एग्जाम भी आ जाएंगे। तो इसमें आमतौर पर आप सभी लेवल देखते हैं, जैसे सीटेट में पीआरटी और टीजीटी होता है, एनवीएस में टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह होता है, लेकिन केवीएस और डीएसएसबी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों होते हैं। उसके साथ साथ केवीएस में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल भी होता है। तो इनकी तैयारी आपके लिए बहुत मैटर करती है, अच्छी से तैयारी, क्योंकि फॉर्म तो सभी अप्लाई करते हैं, एग्जाम देने तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट में किस किस का नाम आता है, ज्वाइनिंग किस किस की होती है, ये चीजें भी तो मैटर करती हैं। और जहां वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई करने से लेकर के सिलेक्शन तक का सफर काफी टफ होता है, और उस सफर में कई सारी चीजों की सावधानियां बरतनी पड़ती है, कई सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। कभी आपको कंटेंट चाहिए, कभी आपको सिलेबस चाहिए, कभी आपको एग्जाम के नॉर्म्स का पता होना चाहिए, कभी आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, कभी आपको ये बताने वाले भी होने चाहिए कि भाई आप ये मत कीजिए, ये कर लीजिए, कभी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, लास्ट ईयर चाहिए, बहुत सी चीजें आपके लिए जरूरी होती है। और ऐसे समय पे जब कोई भी एक चीज आपको नहीं मिलती, तो आपका जो तैयारी है वो कमजोर हो जाती है, और जो टारगेट है उससे कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं। तो हम नहीं चाहते, मैं खास करके मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत हो। पिछले दिनों देहरादून में क्लासेस तो थी, उसके साथ साथ मैं देहरादून में काफी सारे कोचिंग मैंने देखे, एंट्रेंस देखे, बच्चों से मिले वहां। मैं ये आमतौर पर ऐसा होता है क्योंकि वहाँ क्रेज इतना ज्यादा नहीं है डिफेंस में, मेरे हिसाब से इंडिया में देहरादून जैसा कोई है ही नहीं डिफेंस सेक्टर में खास करके। लेकिन जब टीचिंग एग्जाम की बात आती है तो बच्चे चूक जाते हैं, क्योंकि उन चीजों को वो मिलती ही नहीं, वो चीजें मिलती ही नहीं है। केवीएस वाले बच्चों को यूके टेट वालों के साथ बैठा दिया जाता है, सीटेट वालों को वहीं बैठा दिया जाता है, डीएसएसबी का कोई पूछेगा तो कोई ये भी बोलने वाले हो जाते हैं कि क्या डीएसएसबी, क्या एनवीएस का कौन सा एग्जाम, ये बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को। तो फिर बच्चों को समस्या बार बार आती है। पिछली बार भी दीपिका नाम की, हमारी दीपिका रावत नाम के एक स्टूडेंट हमारे थे, एक मोहित जोशी था, इनका सिलेक्शन पिछली बार केवीएस में हुआ था। तो मैं जब उनसे भी मिलते हैं हम लोग, तो बड़ा वो लगता है कि यार सर, बहुत मेहनत करने के बाद आप लोगों से कांटेक्ट हुआ, चलो लकीली हो तो गया। अब आने वाले समय में आप लोग अगर तैयारी करें, कोई भी बच्चा, चाहे आप खुद कर रहे हैं, आपका भाई, बहन, दोस्त, पति, पत्नी, कोई भी आपका रिलेटिव कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज उन लोगों से इस चीज को बताइए, और हमारे पास उन लोगों का जो भी कन्फर्मेशन होती है वो एक बार भेजने की कोशिश कीजिए। इसमें
आप लोगों को ज्यादा नहीं, उनका नाम और सिटी आपका देहरादून है या दूसरा आसपास का भी सिटी है ना वो, और सब्जेक्ट और कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है ये लिखकर तो भेजेंगे भेजेंगे। और हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कुछ सेमिनार्स वगैरह भी देहरादून में करने की, और नोट्स के सैंपल तो खैर ऑलरेडी आप लोगों के पास ही है देहरादून में, लगभग इस पिछले 1.5-2 महीने में मान के चले तो 150 से 200 बच्चों को मेटेरियल तो गया ही गया है सभी का, तो ये मेटेरियल तो आप लोगों को जाता ही है, ये तो आप घर बैठकर भी कोरियर से मंगवा सकते हैं, इसकी कोई समस्या नहीं है। और जल्दी ही सेमिनार करेंगे और कुछ क्लासेज ऐसी करेंगे जो आप लोगों के लिए ज्यादा कॉस्टली नहीं होंगी, फ्री टाइप की क्लासेज भी हम देने की कोशिश करेंगे, चाहे वीकेंड पे हो चाहे कभी हो। तो इसमें खास करके यहाँ तो DSSB की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इसमें सारे एग्जाम हो जाएंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको आप लोग इसकी बजाय अगर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ भी आप इस कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं, ये 8447410108 वाला ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। इसके ऊपर आप अपना नाम, अपना सिटी, अपना सब्जेक्ट और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB है, KVS है, NVS है, जो भी है, तो वो चीजें लिखकर इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जनवरी के लास्ट तक ही आप लोगों को एक बार इकट्ठा करके बच्चों से उनसे डिस्कस किया जाए क्या क्या समस्याएं आपको होती हैं, क्या क्या आपको घर बैठ करके तैयारी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं आज के समय में, ज्यादातर बच्चे क्या होंगे, ये वो लोग हैं खास करके PRT में तो चलो दिक्कत नहीं होती, लेकिन TGT, PGT, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये आगे वाले जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर वो होते हैं जो या तो कोचिंग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं कोचिंग में, या स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, या अपने कोई और जॉब कर रहे हैं, या फिर हाउसवाइफ लड़कियां हैं, यानी ज्यादातर लोग, या फिर कोई बिजनेस अपना कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फ्री नहीं है, और मतलब फ्री इन द सेंस कि इनके पास कोचिंग जाने का, घंटों घंटों लाइव बैठने का इतना टाइम नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी ट्रेवलिंग में पढ़ लिया, कभी काम के बीच में टाइम निकाल के पढ़ लिया, कभी रिसर्च में पढ़ लिया, कभी छुट्टियों में पढ़ लिया, कभी टूर पे पढ़ लिया, ये वो बेचारे लोग होते हैं, और वेदर इन द सेंस मतलब इनके पास टाइम की वो होती है। तो मैं चाहता कि ये लोग आगे आए क्योंकि इनको तैयारी इनकी ऑलरेडी होती है, इनको थोड़ा सा पुशअप की जरूरत होती है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी की जरूरत होती है, और थोड़ा सा बेस्ट कंटेंट की चीजों की जरूरत होती है। तो अगर आप भी इनमें से हैं तो प्लीज ये भेजिए, क्योंकि हमें भी लगे कि हाँ वहां भी हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं कि बार बार जाया जाए, बार बार उन लोगों को स्ट्रेटजी बताई जाए, बार बार उन लोगों की हेल्प की जाए, तो वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगा एक अलग सा ब्रॉडकास्ट बना लूं, अलग सा ब्रॉडकास्ट बना दूं, ताकि जितना भी देहरादून या आप लोगों को मेटेरियल जाना हो वो एक ही मैसेज से व्हाट्सएप के थ्रू मैं जहां भी पॉसिबल हो वो भेज सकूं। तो ये आपका हमारा उद्देश्य यही था, अलग अलग सिटीज की भी बनाएंगे। अगर आप किसी और सिटी से हैं वीडियो को देखने वाले तो आप अपने सिटी का नाम लिखकर बता सकते हैं कि सर इस वीडियो के सिटी के बारे में बताइए, हम लोग भी इकट्ठे कई बच्चे हैं, हम लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, हम